देखिए, कांग्रेस की ये रणनीति के तौर पर है और लंबे समय से अगर हम पैटर्न के तौर पर देखें तो राहुल गांधी, अगर आपको याद होगा कि जब तमिलनाडु में एक कंपनी पर, वहां कंपनी के खिलाफ लोग जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे और उन पर गोलियां चल गई थी, तो वहां तमिलनाडु की सरकार थी, प्रशासन उनका था, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी ने जो बयान दिया था वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ दिया था। जब कर्नाटक के चुनाव हुए थे, चुनाव नतीजों के तुरंत बाद जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा था। इसके बीच में भी वो जो लगातार कह रहे हैं, एक बात वो जरूर कहते हैं कि संघ अपने लोगों को सरकार में बैठा रहा है, सरकार के दफ्तरों में संघ घुस रहा है और हम जब सरकार में आएंगे तो उसे रोकेंगे। तो उनकी रणनीति के तौर पर ये एक उसका अगला चरण है कि एक चुनाव राज्य में लड़ने जा रहे हैं, वहां के मैनिफेस्टो में वो डालते हैं कि हम संघ की शाखा पर प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन इस पर मैं एक छोटी सी टिप्पणी के साथ ये इसको पूरा करता हूं कि जब हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे तो एक कहानी सुना करते थे, कितनी सच है कितनी झूठ वो पता नहीं, लेकिन अक्सर हम सुना करते थे कि जब महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद जब संघ पर प्रतिबंध की बात आई तो मोतीलाल नेहरू के एक मित्र थे, वकील मित्र थे, जिन्होंने उस वक्त जवाहरलाल नेहरू को सलाह दी, उनके मित्र रहे थे, क्योंकि मोतीलाल नेहरू का तो निधन हो गया था 31 में, तो उसके बाद उस वक्त उन्होंने कहा कि आपको किसी को प्रतिबंध लगाकर उससे आप नहीं लड़ सकते हैं, अगर संघ को आपको सचमुच कुछ उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो वहां संघ की शाखाओं के खिलाफ आसपास कुछ गद्दे लगवा दीजिए, कुछ अच्छे इंतजाम कर दीजिए, ये करना कि जो लोग सुबह उठकर शाखा करने जा रहे हैं उनको आप प्रतिबंध से रोक लेंगे, मुझे लगता है कि उल्टा पड़ेगा और वो जो भी काल्पनिक कहानी रही या सच उसको आज पूरा देश देख रहा है किस तरह से वही हुआ।